الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. صاحب صدر سيد السادات صاحب السعادات قدرة الصلحاء وعمدة الأصفياء فضيلة الشيخ صاحب السوق شهزاد قوسو صلاة نقيب زادة نور سيدنا هاشم الدين عبد القادر منصور الدين جيلاني قادر بغدادي دامت بركات قدس के हुक्म पर आज के हम ये ग्यारहवीं शरीफ के अजीम शान हाफिज सजाया जाए हुजूर कुबला ने काम और मरीजों को यह हुक्म दिया है कि मैं ये चाहता हूँ कि ग्यारहवीं शरीफ का सालाना एक प्रोग्राम मेरे मुरीदीन मेरी सरपरस्ती में मुनाकिद करें. आपने हमें टारगेट दिया है, वक्त की किल्लत के पेश नज़र इस नाजी और मेरे रफ़का ने अनथक मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश ये की कि हम अपने शेख कामिल के उस फरमान के मुताबिक के मेयार पर पूरा उतरे और हम अल्लाह करे उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कामयाब रहें. जो कुछ है वो आप हमारा के सामने है. मैं आप हजरात का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप हजरात इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए. खासतौर पर मैं तहे दिल से मशहूर हूँ उन मशायख और नुमाइंदों का जो हमारी दावत पर सिर्फ इस नस्बत की वजह से तशरीफ लाया कि उनको अकीदत और मोहब्बत थी हजरत गौसे अज़म से. जो रूहानियत के दाई हैं, लेकिन अगर हम उनके करीब जाएं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इन रूहानियत के रवाजे के अंदर मादियत उनके भरी हुई है. वरना हम लोग ये जरा सोचें कि हम हजरत गौसे अज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गीत गाने वाले हैं, उनकी खैरात खाने वाले हैं, अपने हिसाब से अपने आस्थानों पर अपने इदारों में अपनी तंजीमों के हवाले से प्रोग्राम हम मुनक़द करते हैं कर रहे हैं. लेकिन जिनका हम ये प्रोग्राम अपने अकीदत का इजहार करते हुए मनाते और करते हैं उन्हीं का शहजादा अगर आज हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में मौजूद है तो हमें तो अपनी उस नफसानियत को छोड़े क्या ये डर नहीं है कि अगर हमने उस आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वो मकाम दिया जो कुदरत ने उनको वो मकाम अता फरमाया है
तो क्या हमारी चलती हुई मार्केट रुक जाएगी? अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं जमानत से ये बात आपके समक्ष में अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी चलती हुई मार्केट रुकेगी नहीं, बल्कि आप चलती हुई मार्केट अपने और आज कादरियत का दावा करने वाले, कादरियत का दम भरने वाले कहां है? ये काम हम फकीरों का नहीं, अगर हमारे मुकद्दर में एक आई है हम उसको अपनी शहादत की मेराज समझ करते हैं, लेकिन जिन्होंने ठेका किया हुआ है ये काम तो उनका था कि मकदार से आए हुए हजरत महबूब सुभानी जी अल्लाह हु अला करते उस शहजादे को खुश आमदेद करना, अपने आंखों पर बताकर अपनी कादरियत का वो फिर भी इकरार करते कि हम जेल का खा रहे हैं, आज उनकी औलाद को अपने सजा काज बनाकर दुनिया को हम बता रहे हैं कि हम यहाँ के कादरों को अदा किया है। अजीजान मोहतरम, बात सुखी की है मुकद्दर की है, ये चीज सरसरों के अंदर रही है, हमने तारीख के अंदर पढ़ा हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन सक्कर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने मुल्तान में जब तशरीफ लाते हैं और या कराम आपसे पहले मुल्तान भरा हुआ था और या कराम से जब आप तशरीफ लाए तो मुल्तान के औलिया ने दूध का खचा खच भरा हुआ प्याला आपकी खिदमत में भेजा और ये पहली थी ऐसा कहने मुल्तानी यहाँ अब तेरे आने की कोई भी चाहत नहीं, लेकिन जकर मुल्तानी ने क्या किया, उस भरे हुए दूध के प्याले पर आपने गुलाब के फूल को रख दिया, आपने फरमाया जिस तरह इस भरे हुए प्याले पर फूल की गुंजाइश अब भी मौजूद है तो जकरिया मुल्तानी की गुंजाइश अब भी मुल्तान के अंदर मौजूद है। दुनिया ने देखा कि वो औलिया किराम जब वो एक सूरज आया तो बाकी सबसे दारों के माने सबसे ऐ मशायख ऐ उलमा, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी नामूस इसी के अंदर, डरो नहीं वो वक्त दूर नहीं, महबूब सुभानी ने हर दौर में दस्तकीनी फरमाई है और आज भी आपने दस्तकीनी फरमाकर अपने शहजादे सैयद हाशमुद्दीन जिनानी को हमारे पास भेज दिया है। आज नहीं कल तो मजबूर है इनको अपने सर पर बिठाओगे, आज नहीं तो कल वो वक्त देखेगा वो लोग जो आप अपराधे में नजर आते हैं, लेकिन वक्त साबित करेगा कि गौसुल अजम का वो बेटा जिसने दस्तगीरी फरमाई अपने दादा जान दस्तगीर ने उन्हें भेजा दस्तगीरी के लिए और मजबूर होकर वो लोग उस शहजादे को अपने सर पर बिठाएंगे। बहरहाल वो हजरात चाहे अवाम में से हो चाहे खवास में से हो जो इस प्रोग्राम में मैं तो ये समझूंगा कि हमारी दावत पर नहीं, मैं तो नस्बत गौसियत और कादरियत की बुनियाद पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं वो काबिले मुबारक के बाद हैं और उन्होंने हकीकत में उस नस्बत को पहचाना भी उसकी कदर भी की और वो समझते हैं कि आज हम अगर इस ग्यारहवीं के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं तो सैयद मुनव्वर जिलानी की दावत पर नहीं बल्कि हमको उन्होंने वो से अजब के बुलाने पर उस ग्यारहवीं में शरीक हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपको दावा देता हूं कोई भी सिलसिला रहते हो कादरियों आओ, दस्तगीर का बेटा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, नक्शबंदियों आओ, चिश्तियों आओ, सोहरवर्दियों आओ, ये गौस का दरबार है, उस गौस ने अरे तुम्हें क्या तुम्हारे करोड़ों का फैज देकर उरूज शौहरत और विलायत की उन मेरा बड़े दिन पर साथ फरमाया, तुम भी आओ उसी गौस के दरबार से ले लो। ये शफीक इंसान, ये मुशफिक इंसान, ये मेहरबान इंसान है, ये आए इसलिए हैं ताकि सबको फैज अता फरमाए, सबको देने के लिए बगदाद से आए हैं, लिहाजा इनका दरवाजा सबके लिए खुला है। हमारे यहाँ तासुब नहीं, हमारे यहाँ तकदीर नहीं, हमारे यहाँ ये हरगिज़ नहीं
कि ये फलां पीर का मुरीद है, ये फलां पीर का, अरे नहीं नहीं